शाहबाद में जो भी सांसद है वो स्थानीय नहीं है, वो सारे बाहरी हैं। और बाहरी हैं तो हमारे क्षेत्र से उन्हें दर्द नहीं है, शाहबाद से उन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जब शाहबाद के लिए जब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हमारा शाहबाद का ये होगा? हम लोगों ने उन्हें वोट दे करके ऊपर के सदनों में भेजा और उस सदन में जाने के बाद वो घोर उपेक्षा कर रहे हैं हमारे क्षेत्रों को। और इस उपेक्षा का नतीजा है कि हमारा धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र, जो धान का कटोरा था, बिहार में धान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पैदावार होती थी, आज हमारे हाथों में केवल कटोरा रह गया जो भीख मांगने के काम की स्थिति में हमें पहुँचा रहा है। हम धान का कटोरा लेकर कहाँ जाएंगे? तो हम अपने मुख्यमंत्री जो विकास का ढोल पीट रहे हैं, जिनका ढोल कहाँ है उस ढोल को भी खोजना चाह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आकर देखिए, उन कटोरों को देखिए, जब किसी में धान, जब कभी धान हुआ करता था, आज क्यों कटोरा हो गया है। इन सब मुद्दाओं के खिलाफ, इन सब मुद्दाओं पर जन आक्रोश काफ़ी उग्र है और इसी सब को लेकर के हम इसका आयोजन हुआ है, शाहबाद स्वाभिमान बचाओ रैली का। और उस शाहबाद स्वाभिमान रैली के माध्यम से बिहार सरकार को बाध्य हम लोग करेंगे कि हमारे शाहबाद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी और शाहबाद जब बोलेगा तो दिल्ली पटना डोलेगा निश्चित रूप से।